लैपटॉप दिए जाने सहित 8 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिला इकाई के सदस्यों का धरना प्रदर्शन सदर तहसील परिसर में पांचवें दिन भी जारी रहा, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी देते हुए उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद लेखपाल अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने लेखपालों के हड़ताल को असंवैधानिक करार देते हुए 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया और आदेश का उल्लंघन करने वाले लेखपालों पर एस्मा लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लेखपाल संघ सरकार की चेतावनी के बाद भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए लेखपालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन लेखपालों का कहना है कि इस बार आंदोलन निर्णायक होगा। लेखपालों के 8 सूत्रीय मांगों में वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली को कैबिनेट में पारित कराने, लैपटॉप स्मार्टफोन का वितरण, राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में संग्रह अमीन तथा भूमि अमीन का कोटा समाप्त किए जाने तथा आधारभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष नीलकंठ दुबे ने कहा हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, विधिवत पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज होगा और मुख्यमंत्री के इस बयान से आंदोलन प्रदेश में और उग्र पकड़ लिया है, तेज पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के और भी सेवा संगठन के लोग हमारे संवर्ग के समर्थन में उतर चुके हैं, आ रहे हैं। इसमें तनिक भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी यही मांग 2016 में जब वो विपक्ष की राजनीति करते थे, बतौर सांसद के रूप में वह मांग हमारी जेन्युइन थी। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वतः आज के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका समर्थन कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखे थे। दुर्भाग्य से वह मुख्यमंत्री चले गए और योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। 2017 से 2018 तक हमारी वही 6 मांगे 8 मांगे उनको गलत कैसे कर दिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होगी, बिल्कुल आंदोलन से हम विरक्त नहीं हो पाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल, इससे हमको भी वेदना है, छात्रों की समस्याओं को हमको भी वेदना है, लेकिन हमारे पास संसाधन के अभाव है। हमको संसाधन आज तक शासन उपलब्ध नहीं कराया। हम विगत 5-6 वर्षों से विगत गोरखपुर में 10 वर्षों से हम आए जाते अधिवास प्राइवेट दुकानों से अपने जेब से पैसे खर्च करके हम आए जाते अधिवास की रिपोर्ट लगाते रहे। मेरी तो जेन्युइन मांग है, हमको लैपटॉप दें। हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, लैपटॉप नहीं दे रहे हैं। हम कब तक दुकानों प्राइवेट दुकानों से जा करके आए जाते अधिवास लगाते रहेंगे? तहसील में कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 21वीं सदी का काम ले रहे हैं, काम करा रहे हैं हमसे अपने निजी व्यवस्थे पर, उसकी व्यवस्था कर हम काम करेंगे। यही तो हमारी मांग है। जब तक मांग नहीं पूरी होती है तब तक यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कोई असर नहीं है, कोई उसकी चिंता नहीं है।